ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशि फल लेके आई हूँ 18 जनवरी से 24 जनवरी 2021 का। राशि फल बताने के पहले मैं आप लोगों को पंचांग की स्थिति बता दूं। इस सप्ताह में जो राशि रहेगी वो मीन रहेगी, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी रहेगी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण रहेगा, योग परिधा होगा और करण पालो, ये पंचांग की स्थितियां रहेंगी। और जो प्रमुख ग्रह हैं, मंगल अपनी खुद की राशि में रहेंगे, अपने मूत्र को राशि मेष में, राहु भी वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे पूरे वर्ष, और केतु जो है वृश्चिक राशि में है, शुक्र भी धनु राशि में है, शनि गुरु और बुध मकर राशि में है, ये प्रमुख ग्रहों की स्थितियां हैं। ये सारे मिलकर के किस तरीके से आपके सप्ताह को प्रभावित करेंगे, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखिएगा। चंद्र राशि का मतलब है कि आपके हॉरोस्कोप में जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है उस जगह पे जो नंबर होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी, और लग्न का मतलब होता है जो पहला भाव है वहां पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो आपकी लग्न है। तो दोनों से आप देखेंगे तो आपको परिणाम काफी करीब तक और बहुत सटीक पता लग पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेष वालों को बताना चाहूंगी, मेष राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में हो सकता है किसी तरह के खर्चे आपको देखने को पड़े, कोई यात्राएं भी आपके लिए हो सकती हैं, किसी से वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो तो उसको आप बचाने की कोशिश करिएगा, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ में ये चीज और भी हो सकती है कि अगर आपका पहले से कुछ छुटपुट वाद विवाद होगा तो वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से बहुत सपोर्टिंग रहेगा, व्यापार की दृष्टि से, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सारी तरफ से आपको सपोर्टिंग वातावरण देखने को मिलेगा। कोई जर्नी भी हो सकती है जो कि आपके व्यापार की दृष्टि से काफी सपोर्ट देने का काम करेगी। अर्थ लाभ, धन की जो वृद्धि जैसे योग भी आपके लिए निर्मित होंगे, आप स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में कर पाएंगे, इस तरह के योग आपके लिए रहेंगे। हालांकि जो परिवार का अंदरूनी सुख रहेगा उसके प्रति आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि किसी भी तरह का वाद विवाद या घर के अंदर कोई कड़वाहट जैसी स्थितियां नहीं पैदा होने पर इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए परिवार के अंदर कोई शुभता भरी चीजें देखने को मिल सकती है, अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। साथ ही साथ वीकेंड में आपको अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है जो आपके लिए स्ट्रेस देने का काम करे। तो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर काम होगा तो उसको आप वीकेंड में अवॉइड करिएगा, और कहीं साइन वगैरह करना हो तो उसको काफी संभाल करके करिएगा। इसके बाद जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ होगा वो आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलता, हर एक तरह से सफलता के योग निर्मित करेगा। आपके जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनसे संबंधित जो सपोर्ट है उनका या जो आपका फ्रेंड सर्कल है उस ओर से आपको एक सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। आपका जो संतान पक्ष है उससे कोई शुभता भरे न्यूज या कोई सपोर्टिंग कुछ देखने को मिल सकता है, और ये भी संभावना बनेगी कि जो विद्यार्थी वगैरह है उनका उस पीरियड में पढ़ाई लिखाई इन चीजों में काफी गहरा रुझान बढ़ सकता है, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए किसी तरह का अनावश्यक व्यय या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जैसी स्थितियां भी लेके आ सकता है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहना चाहिए। किसी से वाद विवाद जैसी स्थितियां निर्मित हो तो उनको आप टालने का प्रयास करिएगा। इसके बाद जो वीकेंड होगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में आपके संबंधों में प्रगाढ़ता दिखाई पड़ेगी। कोई छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि आपको व्यापार को बढ़ाने वाली हो या धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित करने के योग बनेंगे। तो इस तरीके से जो आप लोगों के लिए सप्ताह का प्रारंभ है और आखिरी टाइम है वो आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का कार्य कर रहा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरे सप्ताह थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा, ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति और जो आप एजुकेशन वगैरह से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से, तो पढ़ाई वगैरह को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिएगा कि उसमें किसी तरह की
शिथिलता आने के योग भी बन सकते हैं, तो उस ओर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, वहाँ पे स्थितियाँ जो है आपके लिए काफी फेवरेबल देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथ में जो आपके घर का अंदरूनी सुख है, जो आपके मदर हैं उनकी हेल्थ और आपके स्वयं के हेल्थ के लिए भी आप अपने स्वास्थ्य पक्ष का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उस ओर भी आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। इसके बाद सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए धन प्राप्ति के दृष्टि से किसी तरह की इच्छा पूर्ति होना या जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक शुभता भरा परिणाम लेके आ सकता है मध्य पीरियड जो रहेगा आपका। और ये भी संभावना बन सकती है कि जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं या जो आपका फ्रेंड सर्कल है उस ओर से कोई सपोर्ट जैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो आपका संतान पक्ष है उससे संबंधित कोई अच्छी शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं, या आप स्वयं भी यदि विद्यार्थी हैं तो मध्य पीरियड में आपका पढ़ाई लिखाई इन सारी चीजों में काफी गहरा रुझान हो सकता है। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ी हुई रहेगी मध्य पीरियड में, तो आपको उन चीजों का फायदा लेना चाहिए। उसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए किसी तरह के खर्चे को लेकर के आ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सावधान होकर के चलना चाहिए वीकेंड पीरियड में। किसी से अनावश्यक वाद विवाद इस तरह से की स्थितियां निर्मित हो तो आप उनको टालने की कोशिश करिएगा। हालांकि कोई भी आपका पहले से कोई वाद विवाद चला आ रहा होगा तो उसका जो परिणाम रहेगा वो आपके पक्ष में आने के योग बन सकते हैं। इस तरीके से जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए सप्ताह का की शुरुआत और मध्य पीरियड अच्छा है। ध्यान रखने वाली चीजें आपके लिए रहेंगी कि आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति और अपने जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है और पिता इन सारे इन लोगों के प्रति आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा, उनके स्पेशली उनके स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के वो कोई मेजर डिसीजन अभी नहीं लीजिएगा। इसके बाद जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं आप लोगों के लिए सप्ताह का जो स्टार्टिंग होगी वो आपके लिए कोई शुभता भरा परिणाम लेकर के आ सकती है। यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी पीएचडी से या कोई उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए समय काफी सपोर्ट में रहने के योग बनेंगे। किसी तरह की छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। इस तरह के योग भी आप लोगों के लिए निर्मित होंगे। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उन लोगों के साथ में जो आपके संबंध है उसमें एक मधुरता देखने को आपको मिल सकती है। या कहीं आप घूमने का प्लान कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि टूर ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो समय रहेगा काफी सपोर्टिंग रहेगा। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके जीवन साथी बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। व्यापार में वृद्धि होने के योग निर्मित होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग होकर के रहिएगा और ससुराल पुरुष के साथ में जो आपका संबंध है वहां पर भी काफी एडजस्ट करते हुए आपको चलना चाहिए। हालांकि कार्य आपके बनने के योग निर्मित होंगे और सप्ताह का जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। विशेष रूप से धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होना, संतान से अच्छा संबंध स्थापित हो, इस तरह के योग बनेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई वगैरह में आपको काफी रुझान बढ़ जाएगा। जो भी हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। स्पेशली जो लोग किसी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी चैरिटी वगैरह से जुड़ के कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए वीकेंड का टाइम काफी सपोर्ट से भरा हुआ हो सकता है। उन चीजों का आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए जो सप्ताह की शुरुआत होगी वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद या एक मेंटल स्ट्रेस जैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं, तो उस ओर से आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिए। किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम हो तो आप उसको जो है बहुत सोच समझ करके तो ही आप उसमें आगे बढ़ें, तभी आप साइन करें। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। हालांकि धन प्राप्ति की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं सप्ताह के शुरुआत में ही। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके वहां पे आपको भाग्य का पिता का भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। यदि आप स्पेशली अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफी संभावना मिलेगी। सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड आपको देखने को मिल सकता है। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह, उस ओर से भी चीजें आपके लिए सपोर्ट देने वाली बनेंगी या उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। स्पेशली वो लोग
जो कि सेल्स से, मार्केटिंग से, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए जो यात्राएं होंगी या टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से आप लोग जुड़े हुए हैं जो भी लोग, तो उनके लिए काफी शुभता भरा परिणाम रहेगा। इसके बाद जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी सपोर्टिंग रहेगा। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए कुछ सपोर्ट देने का काम करी है, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव इवेंट्स जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो वीकेंड का टाइम रहेगा वो आपके घर के अंदरूनी सुकून के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान होकर के रहना चाहिए, स्पेशली अपनी मदर की हेल्थ के प्रति, उनके साथ में जो आपके संबंध है उस ओर कोई वाद विवाद की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। हालांकि जो पूरा वीक रहेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के दृष्टि से अच्छा रहेगा। जो आप की हेल्थ वगैरह से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स रही होंगे उनमें एक न्यूनता के भी योग आप लोगों को देखने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि जीवन साथी के साथ में आप अपने संबंधों को काफी एडजस्ट करते हुए इस पूरे टाइम पे निकलिएगा और उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं करें, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है वो आपके व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इन क्षेत्रों से कोई शुभता भरी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं और आप स्वयं भी काफी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है जो कि आपको व्यापार को बढ़ाने वाली हो, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए शुरुआत में देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो मध्य पीरियड है वहां पे थोड़ा सा आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा कि चीजें वहां पे आपके लिए उतनी सपोर्टिंग नहीं रहेंगी, इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होगा तो उसके प्रति आप काफी केयरफुल होकर के, सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। अपनी मदर की हेल्थ के प्रति, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको काफी जागरूक होकर के मध्य पीरियड को निकालना है। हालांकि धन प्राप्ति की दृष्टि से समय आपके लिए सपोर्ट भरा देखने को मिल सकता है। परिवार में किसी का आना जाना, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। और जो वीकेंड का पीरियड रहेगा वहां पे आपको भाग्य का पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, भाग्यवश चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो किसी तरह के धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए वीकेंड काफी सपोर्ट देने वाला रहेगा। कोई जर्नी भी आपको देखने को मिल सकती है जो कि आपके कार्य को बढ़ाने वाली हो या आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपको ट्रिप मिल सकती है, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं या कहीं आपको बाहर जाने के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं वीकेंड में। जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उन लोगों के साथ में आपके संबंधों में एक मधुरता देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग इस सप्ताह के मध्य पीरियड में थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको बढ़ना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं, स्पेशली जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, अभी उनको चीजों बहुत उसमें आगे बढ़ने के लिए टाइम पीरियड नहीं सही है, तो कोई मेजर निर्णय रहेगा, कोई डिसीजन रहेगा, तो उन चीजों को भी आप मत करिएगा। जो स्टूडेंट वगैरह है उनका पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कम हो, तो आप अपने पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उन चीजों को लेकर के थोड़ा सा उसमें अधिक ध्यान दीजिएगा, अधिक प्रयास करिएगा कि चीजें आपकी कंटिन्यू बनी रहे। इस तरीके से आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए किस तरीके से प्रभाव दे सकता है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को राशिफल से जानकारी मिलती होगी। हालांकि ये बहुत ही सिंपल गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन होता है, जो फाइनल परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो आपके हॉरोस्कोप में ग्रहों की क्या स्थितियां उसी के ऊपर निर्भर करेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा जिसमें कोई नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फिर कोई जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।